गर्मी के बीच जयपुर में भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र में कई जगह पानी की किल्लत ने लोगों को आग बबूला कर दिया है। सांगानेर विधानसभा सीट के एक इलाके की महिलाओं ने तो आरोप यहां तक लगा दिया कि चुनाव के वक्त उनसे वायदा किया गया था कि उनकी कॉलोनी में पानी का इंतजाम किया जाएगा, मगर उनके यहाँ न नलों में पानी आ रहा है और ना ही सरकारी टैंकर पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरे इलाकों की महिलाओं ने घंटों तक टैंकर का इंतजार करने के बाद बीच सड़क पर ही मटके फोड़ दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, सांगानेर का श्योपुर, श्योपुर के अंदर ये कतारें देखिए कि पानी के लिए एक ट्यूबवेल के आगे लाइन लगाकर खड़े हैं, लेकिन उसमें भी पानी नहीं आ रहा। अब आप देखिए कि यहाँ एक नलके के लिए कतार लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर इसमें भी पानी नजर नहीं आ रहा। पानी आ रहा है कि इसके अंदर नहीं आ रहा? हाँ? नहीं आ रहा। आप तो लगाकर बैठे हुए हैं। नहीं आ रहा था तो पानी नहीं आ रहा। कनेक्शन कौन हुआ तो फिर सुबह से पानी का इंजाम कैसे कर रहे हैं आप? एक थोड़ा बहुत मोल ले रहा था पीबा को खरीद के टैंक आता ना छोटा छोटे वाले टैंकर लाते कैंपर कैंपर से पानी पी रहे हैं। 20 को दे लगा दे रहे कैंपर पानी वाला। पानी नहीं देंगे तो वोट नहीं देंगे? कौन दे पानी नहीं दे तो वोट भी कौन दे? कौन दे वोट पानी दीजिए फिर वोट मिलेगा, क्योंकि लोग पानी के बिना तो कोई जी नहीं सकता। आप सोचिए पानी के बिना इतनी गर्मी में कैसे जी सकते हैं हम लोग, हमें तो पानी चाहिए। अगर आप हमें पानी देंगे तभी हम आपको वोट देंगे। 40 लाख लीटर टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है, उसके बावजूद भी पानी का संकट बना हुआ है। और बाहरी कॉलोनियों में जहां पर भी हम गए, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि सरकारी टैंकर नहीं आ रहा है, प्राइवेट टैंकर पैसे देकर मुंह मांगी कीमत पर पैसे देकर टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी पानी का संकट बना हुआ है। कैमरा मैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।